तो सामान हमने ले लिया है सारा। नवरात्र है ना, तो मैं चूड़ियाँ खरीदने आ गई थी। ये देखो, दिन जवान होता जा रहा है, देख लो। बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया, मैं उठ गया और टाइम पता कितना हो, 6:30। हाँ जी रुको, अभी ये 6:45-6:30 के बीच में उठ जाता है। और आप लोग देखना, जब ये स्कूल जाने लग जाएगा पक्का नहीं उठेगा। और अभी देख लो, बाहर हो रखा है बहुत ही मस्त सा मौसम। और इधर हमारे सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे आप लोगों को। और मस्त सी हवा चल रही है भाई। मम्मी को भी उठा दिया है भाई हमने, और अब जो है ना यहाँ पर लगा दी है रही, क्योंकि अब हम हो गए 3 बंदे, पहले 2 ही थे। तो दही में काम चल रहा था और राकेश सरा रहे थे, उस टाइम भी लस्सी बना ली थी, क्योंकि कई बंदा में लस्सी सही गए है। और दो या मैं फिर क्या ही रही लगाते, तो दही ले लेते थे। और इधर अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, इतने टाइम बाद जिम के लिए। हे भगवान, पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे जिम में गए भी। सारा काम क्योंकि जल्दी उठने का ही वो फायदा है, 6:30 बजे उठ गए थे। अब सिर्फ मम्मी को सुलाना है, मम्मी अपने आप सुला देगी, ये मैं टेंशन फ्री हो गई इसलिए जिम के लिए। हाँ जी, इतने दिन बाद, ओ भाई जान, हमारा सेम हो गया। इतने दिन बाद जिम जा रहे हो, कैसा लग रहा है? आप जा रहे इतने दिन बाद, मैं तो फिर भी बीच में एक दो दिन गए हो। कौन सा आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया? एक दो दिन ही बहुत होता है। और कई जने यूं कह देंगे इतना खाओ, ऐसे हम जिम में यो करो, तो भाई बड़ा टारगेट लाइफ ने एंजॉय करना है। अच्छी बात है ना, खा के कम करो, अच्छी बात है। खाना भी और टाइम मिला तो जिम भी जाना, ठीक है, दोनों चीज करने हैं। यूं नहीं कि हाँ या तो खाने पे ही फोकस रखो। एक गाना है ना, कौन जिंदगी जीनी यार, कटने यार ऐसा। सही बात है, मैंने प्रेगनेंसी तो पल मन नारियल पानी ठीक ठाक लगा, तो मतलब घने अच्छे तो नहीं, ठीक ठाक। और फिर जब प्रेगनेंट हुई, जब फिर जिस तरह मेरे तो नॉर्मल पानी कम पिया जाता है, यू पीती मैं, तो मेरा इतना मन भर गया, मेरा पानी, नारियल पानी पीने का मन नहीं करता। हालांकि जो पी लेना वो बहुत अच्छा है, पीना चाहिए, पर मेरे से तो नहीं पिया जाता बिल्कुल। जो चीज प्रेगनेंसी में जो फ्रूट ज्यादा खा लिया वो कम खाया जाता है, ऐसा ही है ना? ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है, अपने पास से बना रहे सारे। नहीं क्यों नहीं है, ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है। ये कौन सा प्रेगनेंट हो ना मेरा, मन पता है। गाइस ये ना टाइम पास कर रहे हैं, मैंने वार्म अप कर लिया और ये डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं करा, इधर से उधर घूम रहे हैं। और मैंने खा लिया मोमो। प्रोटीन को बराबर चाहिए, प्रोटीन को इनको बराबर चाहिए। राइज में कहते हैं ये वाली तो मेरे से होगी नहीं, चलो ऐसे। वर्कआउट हो गया डन, कई दिन बाद गया ना, मजा आया वर्कआउट करने में भी। और इनने ना कुछ खास नहीं करा, घर पहुंच गए और ये खाने लगे खाना, तोरी की सब्जी और यहाँ पे लड्डू चल रहा है, क्योंकि हमारा ये घोड़ा है ना, ये घोड़ा है ना घोड़े, पीवा को नहीं, कितनी लस्सी पिलाने की कोशिश कर लो, बस ऊपर नमू कर लेगा, हटा ले दूर। आके रोटी बना दी थी एम्मी का, लंच तैयार कर दिया है तो बना के रख दिया है, बस अभी खिलाया नहीं है। उसके पापा के पास बैठा है, खेल रहा दादी के पास, और मैं, मेरे को एक दुकान था वो किया और बर्तन वर्तन सब करके अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर मिलते हैं हम लोग। ये तो इसको पहले लंच कराया है मम्मी ने, मित्तू ने जब कर लिया था, और ये आ गया मेरा, ये मैं खाऊं थोड़ी सब्जी। तो गाइस आ गए थे नवरात्रों का सामान लेने के लिए, और जब से आप लोग मुझे देख रहे हो मैं हमेशा ना सदर जाती थी, बट अब की बार ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बोलते रहो। बट अब की बार ना हम सदर नहीं जा रहे, यही हमारे पास में है मार्केट, वहाँ पे आई हूँ मैं सामान लेने के लिए, तो वहाँ से लेने लग रहे हैं। नारियल थोड़ा अच्छा सा दो दीजिए, ये आजकल है। तो सामान हमने ले लिया है सारा, सिर्फ हमारा खाने का रह गया, तो वो फिर हम अलग शॉप से लेंगे, बाकी ये वाली शॉपिंग हो गई डन। इंडियन स्मॉल में चूड़ियां लेने के लिए देख सकते हो आप, है ना? और एक ये पड़ी, तो ये राजेंद्र पार्क का एंबियंस मॉल है भाई, यहाँ सब कुछ मिलता है। गाइस नवरात्र है ना, तो मैं चूड़ियां खरीदने आ गई थी, ये देखो चूड़ियां ले रही हूँ रेड, पिछली बार ग्रीन वाली लेके गई थी, अब की बार रेड वाली मिक्स करके डालूंगी, शुभ होती है रेड वाली, गोल्डन। तो अपने लिए भी चूड़ियाँ ले ली और सासू माँ के लिए भी चूड़ियाँ ले ली है, घर में जाकर दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। सामान भर गया पूरा, सारा सामान ले लिया।
मेरा पापा का दिन ब दिन जवान होता जा रहा, देख लो है नई टी शर्ट और पर गर्मी ज्यादा। अच्छा देखियो है अक्सर भी नहीं दिन ऑनलाइन मंगवाई। अच्छा अच्छा है अच्छा ऑनलाइन आया है। और ये मैं जाऊं हूं, भाई भी आ लिया था, ये जा रहा था कितने बाहर, और यो लेकर जाऊं हूं मैं ड्रिंक। तो यो रखा जाएगा फिर क्यों मेरे के लिए लाए रखे बात है यो हो रही है यो सारे आना फास्ट है। खैर मैं भाई फास्ट रखा अनु कह बोला 8 साल हो गए ना बरती रहते नहीं बना रखो बात यह भाई बहु आई जब रखे छोरा आया जब रखे छोरी आई जब रखे कई इतने सारी चीज मिली बना रखा दो तो माता रानी बुरा मान जाएगी व्रत रख लिए। ये देख लो इतनी खुश हो रखी है ये बंदी पूरा फ्लैग लेके ऐसे ही लहराते हुए जा रही है अलग ही खुशी हो रखी है। मित्तू कह रहे देख लो ना इतनी इसने मतलब क्या चीज की टेंशन नहीं हो रही कि तू बाइक पे बैठी है तेरे रेत मिट्टी लगेगा कोई मतलब नहीं अपनी मस्ती में चू रहा है करती जा रहा है। तो गाइस अपने लिए तो मैंने रेड चूड़िया ली थी और जब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने लिए कुछ लूँ तो मम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ लेती हूँ मैं चॉइस करके। तो मम्मी पहनती है लाख के कड़े आप लोगों को पता ही है क्योंकि मेरे ससुराल साइड कांच के नहीं चलते और मुझे लाख पसंद नहीं मुझे कांच की पसंद है तो अपने लिए कांच की मम्मी के लिए लाख के। ये देखो कितने सुंदर से कड़े इसमें 2-3 कलर और भी थे बट वो इतने डार्क थे मैंने मित्तू को दिखाए मैंने कहा मम्मी डाल ले कह रहे ना ना डाल लो वापिस ले होगी और मेरे और मम्मी का सेम साइज आवे है। हाँ आपको चाहिए ये लो ये लो ये देखो ये मेरे साइज के हैं और मम्मी को यही वाले आए देखो देखो मेरी बेटी को भी देखो भाई तो ये मम्मी कैसे लगे बढ़िया अच्छे है ना। ईव तो ले आई थी ईव क्या थी ले आई मैं तो लेके दिक्कत है लेके आई जब लेके आई सामने में लेके आई तो मैंने क्या किया वहां पे जब सामान ले रही थी ना तो कौन किस किस की याद आता है बताना नेल पेंट देखी यो कलर वो कलर बनाकर सारे हाथ है नेल पेंट लगाए और सारे अलग अलग कलर है सारी छोरी आगे आदत पाओगी मैंने पता है नहीं। उस दिन जब हम गाड़ी से आ रहे थे ना तो सारे जने ना मूंग दाल खा रहे थे तो एमी को 2-4 मुंह दिया तो वो खाने लगा मतलब वो कोई भी चीज ना मुंह में नहीं लेता कुछ भी दे दो आप चाहे रोटी चाहे कुछ भी ये दिया ना ऐसे खाया ऐसे कर रहा अंदर तो नहीं लेके गया बट कुछ तो गया तो मैंने बोला मम्मी को मैंने कहा मूंग दाल खाई इसने करी ले आइयो घर पर बनाओ बढ़िया मम्मी ने करे मैं कर दी रेसिपी तैयार सुबह अभी गोकर रख दी थी और सुखा दी अच्छे तरह अरे मम्मी ने जो है क्या कर दिया इसको ऑयल में हाँ और क्या क्या डाला इसमें नमक डाल दिया अब इसमें जितना ऑयल है ना वो टिश्यू से सारा सोख लेंगे और फिर ये एमओ को जो है ना खिलाएंगे और बाकी दूसरे अगर आपके पास कोई हो किस तरीके दूसरा तरीका तो वो भी बता। कपड़े आ गए प्रेस हो गए देख लो कितने सारे हैं कम से कम 40-50 कपड़े हैं घर ने सामान लेकर आ गए थे दिखा दिया था और आज मम्मी ने गाँव तो भेजा था करौंदा पर मैंने नहीं बनाया मम्मी ही बनाएगी मम्मी ज्यादा अच्छी बना रहे और इसमें हमारे किचन का भाव लगा है ना जो बस ये काम रखा है सारे बर्तन हिंडा दे कदे यारी खोल के गिरा दे है कदे ये भाई साहब हमारे किचन में हेल्प करवा दे काम कर रोटी बना दे हेलो बनाओ रोटी आपसे बात हो रही है। हमारी सासू माँ ना थोड़ी स्टाइलिश कटिंग करने लग गई है कटिंग बोर्ड पे ठीक है तो सारे जने यूं बता दियो मैंने एक बार किन का कोई चैनल खुलवाना है कुकिंग का कहोगे तो एक पर्सनल चैनल खुलवाना पड़ेगा है। ये कटिंग हो चुकी है भाई सब्जी की ये मोटी वाली मिर्च है ये मत सोचो इतनी मिर्च खा गई मतलब मुंह जलने वाली नहीं होती है ठीक है और इधर आलू और फली ये खाली मित्तू की बनेगी क्योंकि मित्तू करौंदे की नहीं खाते वो बहुत छिछर आए और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए फेस वॉश कर लिया बाहर इतनी मिट्टी पूरा फेस नहीं हो रहा था किरकिर। सबसे पहले मम्मी के डाल दिया प्याज डाल दिया जीरा प्याज डाल दिया ईब देख लो बाद में कोई नहीं रेसिपी दो तो ईब देख लो फिर अभी मिट्टी सूखना हो गया हरी मिर्च छोकड़ वाली डाल दी मतलब वो जो की मोटी वाली काटी थी डाल दी तो जैसे ही वो थोड़ी सी पक जाए ना उसके बाद इसमें डाल देना है आपने करौंदा ये सब्जी थोड़ी दिख रही है पर ये ना टेस्टी बहुत ज्यादा लगती है भाई मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है थोड़ी ये मिर्च की वजह से थोड़ी खाई जाती है सब्जी। तो इसमें मम्मी ने डाल दी हल्दी थोड़ी सी और धनिया पाउडर जो गत्ता पिसा हुआ है और अब डालेगी मम्मी इसमें चिन्नी क्यों डालेंगे भाई चिन्नी इसमें डालेंगे क्योंकि खट्टी मीठी हो जाएगी हमने खट्टी मीठी पसंद है।
मम्मी गई नीचर, मैंने ना छोटी सी भूख लग गई तो मैंने सोची मट्ठी खा लूँ मैं। अब खाली मट्ठी तो क्या खाऊँ, तो थोड़ी सी बिल्कुल दो घुट कॉफ़ी बना ली और यहाँ दही के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। मम्मी आओगी जब तक मैं रोटी बना दूँगी, मम्मी सब्जी बना कर चली गई है, फिर हमारा काम पूरा ख़त्म। ये अच्छा लगता है, आजकल अम्मू का फेवरेट हो रखा है ये देखता है। और ये नीचे तो आ गया है, थोड़ी बहुत देर घूमता आधा पौना घंटा, और ये जो है इसके डिनर का टाइम है, मैं इसको डिनर करवाऊंगी। तो ये आलू बीन्स की सब्जी बनाई थी और यह मेरी करौंदे की भाई बहू वाली भी ले ली, बेटा वाली भी ले ली। ना एक दूसरा नहीं कहता, मम्मी मेरी कौन खा के देखी, मेरी कौन खा के। हाँ तो गाइज हम तो सोने के लिए हो गए हैं बिल्कुल रेडी, टाइम हुआ है सिर्फ 8 बजे हैं अभी, और हमें इतनी तेज नींद आ रही है कि कोई हमें अभी बोल दे कि बस सोना और हम तैयार है। चलो चलो आंख बंद नहीं करते, गुड नाइट करते, गुड नाइट, ओके गुड नाइट, बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।